नमस्कार दोस्तों, मैं मन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो बायर्स हैं वो अपना पैसा इतना ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं। बल्कि अगर देखें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स अपना लॉस ही करते हैं। और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, जब भी आप मार्केट में आए होंगे, जब भी आपने एंट्री ली होगी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने के लिए, तो आपने वहाँ से शुरुआत बेसिक प्रॉफिट से की होगी। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आपने फर्स्ट टाइम जब ट्रेड लिया था आप प्रॉफिट में थे या नहीं। 99% लोग प्रॉफिट में होंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको वहां से लॉस होना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन बायर्स अपना लॉस ही क्यों करते हैं, तो ये हम समझने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग से संबंधित सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, ए टू जेड एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपके पास जो कैपिटल है, मान लीजिए आप मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं और बहुत ही छोटे लेवल से आए हैं, आप वहाँ पर 20K से लेकर के 30-50K तक पैसा लेके आएंगे, मतलब कि 20,000 से 50,000 रुपए लेकर के आएंगे। अब आप यहाँ से जो पैसा अपना अगर 20,000 लेकर के आए हैं, आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर बैंक निफ्टी में, वहां पर आपका जो माइंडसेट क्या होगा कि अगर 20,000 लगाए तो कम से कम, बिल्कुल अगर लोअर साइड सोचते होंगे तब भी 25,000 बनाने का ही सोचेंगे, वरना अदरवाइज बहुत सारे बायर्स क्या सोचते हैं, 20,000 का कम से कम 30,000 बना लीजिए, मतलब 50% का प्रॉफिट है। और जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ वही ऑप्शंस बाय कर सकते हैं जो सेलर सेल करेगा, और सेलर के पास आपसे बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पास आपसे पैसा मतलब लिमिट से ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो इतना प्रॉफिट नहीं सोच रहा है, उसका रीजन है। लेकिन जब बायर्स इतना प्रॉफिट सोचता है तो वहां पर क्या हो जाता है, वो एक तरह से आपको जुआ खेलने यहां पर आ गए। और जैसे ही आप देखेंगे कि किसी भी आप मार्केट में आने के बाद, अगर आपको 10 दिन भी हो गए मार्केट में, उसके बाद आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे ठीक उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आप में से सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये सबको सच है या फिर नहीं। अब देखिए, वहां पर आपको सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आप अगर ऑप्शन बायर, देखिए ऑप्शन बाइंग से भी बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे जो बहुत बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है कि ऑप्शन बाइंग से लगभग 90% से ज्यादा लोग अपना पैसा लॉस करते हैं ऑप्शन बाइंग करके, और ऑप्शन सेलिंग बारे लगभग 99% लोग प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन अब वहां पर क्या है, ऑप्शन सेलिंग भी सबसे पहले उनका एक माइंडसेट क्लियर रहता है कि अगर उनको प्रॉफिट 10% का लेना है तो 10% लेकर के वो बैठ जाते हैं। और दूसरा, अगर आप बिल्कुल मार्केट में एंट्री लिया और आपको 10 से 20 पॉइंट पे ही डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो लोअर साइड में आएगा आपके बाइंग से, वहां पर आपका लॉस बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप अपना एक तो पूरा कैपिटल लगा चुके होंगे और साथ ही साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्लान आपके पास नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, तो वहां पर आपका जो पेशेंस है वो खत्म हो जाएगा और आप ट्रेड एग्जिट करेंगे। ठीक उसके कुछ मिनट बाद ही आप देखेंगे कि वापस से ट्रेड ऊपर जाने लगा और आप फिर से उसमें री एंटर करेंगे और फिर से वही होगा, आपको फिर लॉस लेना पड़ेगा। और यहां पर ऑप्शन बाइंग में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि वहां पर अगर आपने 10,000 रुपए का आज प्रॉफिट बना भी लिया, 10,000 रुपए का, उसके बावजूद भी आपके मन में क्या रहेगा कि अभी तो और प्रॉफिट बनाना है, और आप सोचेंगे अब मैं 10,000 का ही रिस्क ले लेता हूं और उसके बाद काम करता हूं। लेकिन धीरे धीरे वही रिस्क 10,000 से बढ़कर के आपके 20,000 पे आ जाएगी, और आपने जहां 10,000 सुबह में प्रॉफिट बनाया था, अब वो प्रॉफिट ना रह करके आपका 10,000 का उल्टा लॉस हो चुका। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑप्शन बायर सबसे पहली चीज लालच अपने मन में बहुत ज्यादा लेकर के आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ऑप्शन बाइंग करते समय सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी मजबूत करनी है, अपना रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चलना है। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, 50,000 लेकर के आए हैं, तो आप बहुत अगर मैक्सिमम यूज करें पैसा तो 50% ही यूज करें, 100% पैसा यूज ना करें। और शुरू में अगर आपको मार्केट में स्टार्टिंग करना है तो आप कम से कम मान के चलिए कि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आप जो क्वांटिटी है
वो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो एक लॉट मतलब 25 क्वांटिटी से 50 क्वांटिटी तक, एक से दो लॉट, और सेम यही प्रोसेस एक से दो लॉट का ही प्रोसेस आप निफ्टी के अंदर लेकर के चले। देखिए बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट आते हैं, जो प्राइस होता है बहुत तेजी से चेंज होता है, तो वहां पर एक से दो लॉट बहुत ही काफी है आपके लिए। और सेम निफ्टी के अंदर आपने जो भी इंडिकेटर यूज किए हैं, अब इन सब पर भी हम बात करेंगे किस तरह से आप कौन कौन से इंडिकेटर का यूज करके पैसा बना सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर आपके लिए अच्छे हैं, किस तरह से चार्ट को आपको पढ़ना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर आप सिखाने वाला हूँ फ्री में। कोई इसका पेड चार्जेस वार्जेस नहीं रहने वाला है। आपको जितना सिखा सकता हूँ, जितना मुझे आता है समझ लीजिए आप उतना तो सीख ही सकते हैं। और सबसे पहली चीज, हर एक वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, बशर्ते आप उसमें दिमाग लगाएं, आप उस चीज को सीखना चाहें। सिर्फ और सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए बहुत सारे लोग गलत भी बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखिए, ऑप्शन बायर ने लॉस क्यों किया, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा, ऑप्शन सेलर जो होता है, अगर 1 लाख रुपए में वो एक लॉट सेल कर रहा है तो उसके पास जो रिस्क है, अगर वो लॉट मान लीजिए 100 रुपये का लॉट उसने सेल किया, 100 रुपये के प्रीमियम के ऊपर, 100 रुपये पे अगर निफ्टी का लॉट है तो वहां पर 50 क्वांटिटी हुई, और अगर उसे 100 रुपये ही लॉस हुआ तो उसे लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 5,000 का। और वहीं आपने अगर 100 रुपये के हिसाब से एक लॉट बाय किया है और वहां पर आपको लॉस हुआ 100 रुपये का, तो आपको भी वहां पर 50,000 का ही लॉस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या था कि आपने जो लॉस किया बाइंग करके, वहां पर 100% कैपिटल लॉस किया, 5,000 लगाए थे, 5,000 का लॉस हुआ, लेकिन वहीं पर सेलर को लॉस कितना हुआ, उसके 2%। उसने 1 लाख लगा करके सेल किया और उसको अगर 100 पॉइंट का ही लॉस हुआ तो उसको मात्र 2% का लॉस हुआ 5,000 का। तो वहां पर उसकी कैपिटल पर इतना फर्क नहीं पड़ा, वो अगली बार उसका प्रॉफिट बना लेगा, लेकिन आपकी सेहत पर बहुत फर्क पड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, और बाइंग करने के लिए एक सही एंट्री, सही पॉइंट पर और सही टारगेट बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे ही अपना टारगेट सेट करते हैं, उसके बाद उस टारगेट पे अचीव होने के बावजूद भी आप जब उसके ऊपर चला जाता है, उसके बावजूद भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और आपके मन में लालच बढ़ जाता है, उसके कुछ देर बाद ही आपको टोटल वहां पर अपना पोर्टफोलियो में लॉस पोजीशन में दिखने लगता है। तो इसलिए इस साइकोलॉजी को भी आपको चेंज करना होगा। और दोस्तों, अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह से आप मार्केट से पैसा कमाने के लायक, आपके लिए जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी लेवल, सब कुछ आपको वहां देखने को मिलेगा। प्रीमियम ग्रुप में आपके लिए सबके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, वो भी व्हाट्सएप पर बना लिया जाएगा, टेलीग्राम पर ना, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सेलर बनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं कि हमें भी ऑप्शन सेलिंग करना है, लेकिन उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम यार कैपिटल कम है, पहले बाइंग करते हैं उसके बाद हम पैसा कमा लेंगे फिर ऑप्शन सेलर बनेंगे। लेकिन वहां पर उल्टा होता है, ना तो आप बाइंग के लायक रह पाते हैं ना ही सेलिंग के लायक। तो इसलिए जो आपकी मेंटेलिटी है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग का अच्छा तजुर्बा है तो उसी में रहिए, और अगर सेलिंग का तो उसमें रहिए। कैपिटल कम है तो उसको बर्बाद मत कीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए और पैसा थोड़ा आने दीजिए, आप कहीं ना कहीं काम तो करते ही होंगे। और मार्केट में घुसते ही मार्केट को अपना फ्यूचर मत समझ लीजिए, मार्केट ऐसे ही सबके लिए अपना फ्यूचर नहीं बनाने देता है, और मार्केट हर किसी के लिए पैसा नहीं कमाने देता है। और आप किसी का कोर्स लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, आप जितना दिमाग उसमें लगाएंगे उससे ज्यादा आपको यूट्यूब पे फ्री में सीखने को मिलेगा, बस सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर इसीलिए अपना सारा लॉस करते जाते हैं, और ऑप्शन सेलर के मन में, देखिए सेलर के पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, अगर वो यहाँ पर माल को शॉर्ट करेगा ना, और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो वहां से जो बायर है वो और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और बाइंग करना शुरू करेंगे। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास इतना पैसा है कि बहुत सारे स्टॉक्स में भी सेलिंग करके मार्केट को वहां से डाउन कर सकता है, और वहां से जितना लॉस होगा उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट वो यहाँ निफ्टी 50 में फ्यूचर से कमा लेगा। तो इसलिए बायर्स ऑप्शन सेलर से टक्कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर को मात दे सकते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 10-20% बायर ही पैसा बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस होता है और वो लॉस और अपना पूरा रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चलते हैं, कितना लॉस लेना है
और प्रॉफिट के लिए लालच नहीं रखते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप समझते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के चलते हैं, तो डेफिनेटली आप मार्केट से पैसा कमाएंगे, अदरवाइज तो आपका लॉस यहां पर होना तय है दोस्तों। अब अगर आप देखेंगे जितने भी लोग मार्केट में नए आए थे और फर्स्ट टाइम उनको प्रॉफिट क्यों हुआ था, क्योंकि उस दिन उनके मन में लालच नहीं था, उस दिन सिर्फ वो इस मार्केट को देख रहे थे, जैसा किसी ने बताया उस हिसाब से काम कर लिया और वहां पर उन्हें प्रॉफिट हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे ही वो अपने आप को मार्केट का किंग समझने लगते हैं और वहां पर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर सीखना चाहते हैं तो सीखिए दोस्तों, उसके बाद अपना पैसा लगाइए। देखिए बहुत सारे लोग वर्चुअल ट्रेड, पेपर ट्रेड करते हैं। अब पेपर ट्रेड या वर्चुअल ट्रेड से आप सीख तो नहीं सकते प्रॉपर तौर पे, लेकिन हाँ आपको ये आइडिया हो जाएगा आप जिन इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, आप जिस स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं वो वर्क करती है नहीं करती है। क्योंकि जब आपका रियल अमाउंट कहीं लगा हुआ होता है तब आपकी साइकोलॉजी अलग होती है, और जब आपका खुद का पैसा नहीं होता है तो आपकी साइकोलॉजी अलग होती है। आपके मन में कोई डर नहीं होता है जब आपका पैसा नहीं होता है, और जब पैसा आपका खुद का लगा होता है तो आपके मन में डर भी होता है कि कब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कब यहाँ पर लॉस लेना चाहिए। और लॉस लेने की क्षमता बायर्स रखती ही नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट डाउन जा रहा होगा तो यहाँ से जो बायर्स होंगे अगर उनके पास कॉल है तो उसको सेल करने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे होल्ड करे रहते हैं और आगे चल के प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ बाय किया और यहाँ से मार्केट नीचे आया, आपने कॉल ले रखी है, उसके बाद आप होल्ड कर रहे हो, उसके बाद ये बेसिक चार्ट ने कमबैक दिया और वापस उस लेवल तक पहुँचा, लेकिन अब आपका प्रीमियम गिर चुका। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे आपने मॉर्निंग में ट्रेड लिया और यहाँ पर टाइम हो गया दोपहर का, एक बज चुका, तब मार्केट वापस आए, तो इतनी देर में जो प्रॉफिट है आपका चला गया और लॉस अभी भी रहा। अब आप अगर नेक्स्ट डे के लिए इसकी होल्ड करेंगे बिना किसी स्ट्रेटेजी के, आपको ये पता भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बायर को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहना जरूरी कि अगर लॉस है तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर लॉस नहीं है प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को प्रॉपर टाइम पर बुक करें, मन में लालच ना रखें। तो इन सारी चीजों को आपको लाइन टू लाइन समझाएंगे, एक एक करके इसके ऊपर सारी वीडियोस लेकर के आएंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है बहुत सारी चीजें, किस तरह से काम किया जा सकता है, और अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है तो उसका भी एक अच्छा तरीका आपके लिए बताया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो मैं क्या हूं, देखिए मैंने ऑप्शन बाइंग भी बहुत ज्यादा किया है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मैं ऑप्शन सेलर की कैटेगरी में देखने को मिलूंगा। बाइंग मैं इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, उसका रीजन है देखिए टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट भी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा कम है, लेकिन वहां पर थोड़ा रिस्क बहुत ही कम है, बहुत कम है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलिंग से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं और ऑप्शन बाइंग से भी आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या क्या सीखना है, और आप ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे लाइक और वीडियोस पे व्यूज आएंगे तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को भी मिलेंगी दोस्तों। तो नमस्कार, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।